Hey guys, welcome back to the channel. This is Samir and you are watching MSQ Vlogs. Guys, ये है दूसरा वीडियो जिसमें हम लोग अगेन हैदराबादी का लॉट देख रहे हैं जो कि पिछले वीडियो से थोड़ा सा हैवी वेट में है और ये अगेन हमारे अदनान भाई के पास ही है. तो आइए हम लोग इन सब की भी डिटेल्स अदनान भाई से जानेंगे. अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई. वालेकुम अस्सलाम भाई. अदनान भाई, इनकी क्या डिटेल्स वगैरह है और ये क्या प्राइस आप कोट कर रहे हैं? प्राइस तो थोड़ा बाद में ही बताना, लेकिन पहले इनके डिटेल्स आप बताइए. भाई ये सब हैदराबादी है, इसमें जो आगे व्हाइट वाला खड़ा है ना, ये अदंत है. ये अदंत है, ये वाला व्हाइट एकदम अदंत है. ओके, ये भी अदंत है, नासी में. वो एक ब्राउन व्हाइट वाला. इनके बाल नहीं निकाले हो या ये बाल ऐसे ही? निकाला नहीं हुई मैं, सर्दी की वजह से ठंडिया निकाला नहीं. ओके ओके, ठंडी वाली पड़ी ना, बोलो के निकाल चुका था तो उनके बाल थोड़ा अच्छे. सही है. ओके ओके, वो जो चार ये है ना ब्राउन वाला, ब्राउन वाला नासी में, वो चार दांत पे, चार दांत पे हमें हटा लो. और ये जो गुलाबी कलर का बच्चा बाजू में, वो दो दांत पे, वो दो दांत पे, ब्राउन वाला चार दांत पे. ब्राउन वाले का आपने, मैंने आप बता रहे थे अभी कि उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है. अच्छा था, ये अपने दोस्त से लिया था मैं, हॉस्पिटल से रिजल्ट टूटा भाई से क्रॉस किया था. अच्छा, डबल आया था वो बच्चा, मतलब जितनी इसकी हाइट है उससे डबल उसकी हाइट वगैरह थी उस टाइम पे. अच्छा था, इससे अच्छी क्वालिटी में था. ओके, तो मतलब देखा जाए तो अगर कोई ब्रीडर के लिए लेना चाहे तो आपने इसका रिजल्ट देखा होगा. अगर कोई बोले मुझे रिजल्ट देखना है तो दिखा दोगे आप? नहीं भाव, तो बिक गया, उसने देख वो भी बिक गया. ओके ओके, साथ में ले गया था ना, तो ये मेरे को दिया उसको, वो जैसे आ वैसे बिक भी गया. ओके ओके, एकदम बकरीद के बाद की बात है. तो बिक गया ना वो, मतलब ये है कि आपने देखा हुआ है? देखा हुआ मेरा. ठीक है, और ये क्या वेट पे होंगे ये सब अभी इसमें? भाई इसमें देखो ये 40-45 किलो के बच्चे होंगे आपके सामने ही. वेट तो मेरे ख्याल से आपने किया नहीं होगा. नहीं नहीं, अपने क्योंकि ये टावर में काम चालू है कंस्ट्रक्शन का, तो यहाँ पे वेट मशीन वगैरह ट्रेडिंग का काम नहीं ना. हाँ हाँ, ये तो सिर्फ शौक है ना. अभी हम लोग कितने फ्लोर पे, हम लोग लोगों को बता दें कि क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम लोग जमीन पे खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग फोर्थ फ्लोर पे है. तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए बाजू में टावर है और ये देखिए सामने बिल्डिंग है. हम लोग बिल्डिंग की टेरेस, ये वाली ऑलमोस्ट बिल्डिंग की टेरेस के पास है, ये फोर्थ फ्लोर पे हम लोग खड़े है. तो यहाँ पे वेइंग मशीन वगैरह रखने का कुछ इंतजाम नहीं है. अगर कोई वेट करा के मांगे तो क्या करेंगे? अदनान भाई, तो वेट तो होता नहीं रहा था, जल्दी लोग वेट देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली अपन बता देंगे. ओके, तो देख के सामने करना है, देख लोग क्योंकि ब्रीड एसी है, इसमें वेट के हिसाब से तो सौदा नहीं होता. होता भी नहीं ब्रीड एसी अंदर, ये ब्रीडिंग के लिए आदमी लेके आता जाता है. कुर्बानी बहुत चैन है, कैसा की जब 8 दांत हो जाते हैं, जब कुछ बचता नहीं तो फिर कुर्बानी आदमी कर देता है, क्या रहता है, या फिर किसी दूसरे को बेच देता है ब्रीडर के, फिर कोई ले लेगा 8 दांत पे भी. ओके ओके ओके, तो ये मतलब एक अंदाजा वेट जो बता रहे हो वो एक अंदाजा ही बता रहे हो, इसमें कुछ कंफर्म नहीं है. ठीक है, और रही बात इनके प्राइस की, तो प्राइस आप क्या कोट कर रहे हो भाई? ये 30,000. 30,000 रुपए की पट्टी, अगर कोई सिंगल मांगे तो? सिंगल जी भाई वही 30,000. सिंगल भी 30,000 के हिसाब से देंगे. ठीक है, तो विदाउट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सामने लेकर. ठीक है, तो विदाउट ट्रांसपोर्ट 30,000 की पट्टी से ये रेट जो है कोट कर रहे हैं. जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दे दूंगा, आप लोग डायरेक्टली अदनान भाई से बात कर सकते हैं. ये 5 बच्चे हैं, इसमें से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इनको शेयर करके इनसे डिटेल ले सकते हैं. अदनान भाई आपका जो नंबर है वो व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है ना, और कौन से टाइम पे आपको लोग कॉल कर सकते हैं? भाई सुबह 10 बजे से लेके 11-12 बजे. और बकरे हमेशा अवेलेबल यहीं रहते हैं ना, इसी जेकब सर्कल पे, बाइकल्ला पे. ओके, तो गाइस जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, तो आप लोग इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना. ठीक है, तो ये वीडियो भी हम लोग एंड करते हैं. इसके बाद भी और बकरे हैं हमारे पास अभी वीडियो के लिए. ठीक है, तो अच्छा थोड़ा इससे भी हैवी वेट में रहिए. ठीक है, तो और भी वीडियोज है अभी हैदराबादी के हमारे पास, तो हम लोग आपको वो भी दिखाएंगे. ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में. जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.